नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने देखा किस प्रकार से गुजरात में किशन भरवाड़ नाम के एक हिंदू युवा, गौरक्षक युवा की पीठ पर गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जैसा कि 800 साल से इस कौम का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा से ही पीठ पीछे से वार किया है, ठीक उसी प्रकार से किशन भरवाड़ जी की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में दिल्ली से कुछ मौलानाओं के लिंक भी मिले जिन्होंने उनको भड़काया, उनको हथियार प्रोवाइड कराए। और इन लोगों का इतिहास काफ़ी पुराना है। इससे पहले ये तकरीबन 1500 हिंदू योद्धाओं की लिस्ट बना चुके हैं जिसमें कि हम सबके नाम थे। किशन भरवाड़ की हत्या हुई लेकिन उससे पूरा गुजरात दंग है। इसके बाद में एक वीडियो नासिर शेख नाम के व्यक्ति ने शेयर किया और उसने कहा कि देखिए किस प्रकार से गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। उसने यहां तक कहा कि आरएसएस और बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो गुजरात में आतंक मचा रहे हैं। हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसे कौन से गुजरात के स्थान है जहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है या इनकी सच्चाई कुछ और है। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, जो आपने मेरे से प्रश्न किया था, आप लोगों की मांग थी कि हम सनातन हार्ट पर बुक्स को कैटेगराइज कर दें। हमने उन बुक्स को कैटेगराइज कर दिया है। अब आपको वहां से बुक्स चुनने में बहुत सहूलियत हो जाएगी और वहां पर हमने सभी जितने भी हमारे महान योद्धा हैं उन सब की जीवनी, स्टूडेंट्स के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए इंग्लिश लिटरेचर अलग अलग डाल दिए हैं। अब आप सनातन हार्ट से बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी हर्डल के सीधे सीधे शॉपिंग कर पाएंगे। हमारे वो भाई बहन जो हमें डोनेट करते हैं वो डोनेशन को रोक दीजिए और सनातन हार्ट से सच साहित्य खरीद करके अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ वारिस पठान, जो कि एमआईएम पार्टी का नेता है, उसके मुंह काला होने से। ये उस पार्टी का नेता है जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष अक्सर कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें ताकत है। यह व्यक्ति इंदौर आया और यहाँ पर खजराना नाम की एक दरगाह है उस पर मत्था टेकने, चादर चढ़ाने के लिए आया था। 15 मिनट के लिए पुलिस भी नहीं हटी, पुलिस बल भी उसके आसपास था, सुरक्षा दी गई थी, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति आता है मुंह काला करके इसका भाग जाता है। अब आप जरा सोचिए कि पुलिस हटी नहीं, सुरक्षा लगी हुई है, तब भी इस व्यक्ति का मुंह काला करके इसकी औकात बता दी गई, उसी दरगाह में अपना मुंह छिपाने के लिए इसको वापस दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। अगर पुलिस वाकई में हट जाती तो क्या होता? आप जरा सोचिए कि इन दरगाहों के नाम पर झूठ इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है ताकि हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, उनके खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा सके, और जहां पर भी, जिन स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक मात्रा में है उनको सताया और वहां से भगाया जा सके। और इस कार्य को सबसे पहले किया नासिर शेख ने। नासिर शेख गुजरात के एक स्थान पर वो रोड पर चलते हुए एक वीडियो को शूट करता है और कहता है कि देखिए मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में यहां से हिजरत कर रहे हैं। हिजरत का अर्थ होता है माइग्रेशन, यानी कि एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। अब यहां पर यह व्यक्ति वैसे तो जहर भरने का पूरा कार्य करता है, लेकिन यहां पर दो चीजों का नाम लेना यह नहीं भूलता है, एक आरएसएस, एक बजरंग दल। इनका नाम लेकर के मुसलमानों में सीधे आग लगती है। वैसे मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, इनका नाम लेकर के मुसलमानों का आज तक जितना हूतिया काटा गया और इनसे जितना पैसा बटोरा गया है ना, ये मुसलमान भी नहीं जानते। इतना इन्होंने हज में डोनेट नहीं किया होगा जितना कि इन नेताओं से, इन संस्थाओं से डरा डरा कर मुसलमानों से ले लिया गया है डोनेशन के नाम पर। लेकिन ये बेचारे कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वैसे नासिर शेख ने ना केवल एक वीडियो बल्कि तीन तीन वीडियो प्रचारित और प्रसारित की। यह व्यक्ति एक अन्य स्थान पर कहता है कि देखिए इन लोगों की ये तादाद देखिए, पीछे तक की लाइन देखिए, इन लोगों को जो आरएसएस के गुंडे हैं उन्होंने पूरा का पूरा गांव खाली करवा लिया है, वहां से इनको भगा दिया है। यही नहीं, इसके अलावा एक और व्यक्ति वीडियो बना करके बताता है कि हमारे मुसलमानों से गाँव के गाँव, शहर के शहर खाली करवाए जा रहे हैं और इन लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब इसके बाद में अपील क्या होती है? अपील ये होती है कि मुसलमानों हमारा सहयोग करो, तुरंत जल्दी से जल्दी इन स्थानों पर आप पहुंचो।
इसका अर्थ क्या होता है? आपने देखा कि दिल्ली के अंदर उससे पहले किसान आंदोलन के दौरान, उससे पहले जब CAA प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, उस दौरान बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई गई जिससे कि हिंदुओं, उनकी संस्थाओं, महिलाओं के प्रति एकदम से आग उगली गई और उनके प्रति नफरत किस प्रकार हिंसा में बदलते हुए समय नहीं लगा, हमने वो सब कुछ देखा है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि 1400 साल से इनके जो प्रॉफिट साहब हैं वो भी अफवाहों के माध्यम से ही दंगे और फसाद करवाया करते थे। साथ ही साथ इस बात का भी हमें संज्ञान लेना होगा कि जितने भी हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं और जितने भी उनके श्राइन बोर्ड बने हुए हैं उनमें भी अधिकतर इसी कौम के लोग सदस्य बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची थी और उसमें लोग मर गए थे। यह एक इस प्रकार का प्रीप्लांड तरीका हो सकता है कि जिसमें आपको बम नहीं मारना, गोली नहीं मारनी, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी अफवाह फैलानी है या थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट करना है। अफवाह फैलते ही भगदड़ मचेगी और में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। यानी कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर सकता, बम बारूद नहीं कर सकता, वो आस्था के मामले में थोड़ा सा पेंच यदि आपने लगा दिया तो काफी सारे लोग वहां पर मर सकते हैं। इसी तरीके की अफवाहें फैला करके, इस तरीके के नैरेटिव बना करके स्थानीय अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी मरवाया जा सकता है, उनको प्रताड़ित करवाया जा सकता है। और नासिर शेख ने यही कार्य किया था। दरगाहों से मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं, दरगाह जिस दरगाह पर दरगाहों से मैं मामले को क्यों रिलेट कर रहा हूं, दरगाहों पर हिंदू भी काफी मात्रा में जाते हैं और वहां पर भी इसी प्रकार की ब्रेन वॉशिंग चलती है। दरगाह से मैंने बात की शुरुआत की कि किस प्रकार से वारिस पठान का मुंह एक दरगाह पर काला कर दिया गया और ठीक इसी दरगाह से जुड़ा हुआ मामला भी नासिर शेख के झूठ के पीछे छिपा हुआ है। दरअसल यदि हम इस भीड़ को यदि देखते हैं तो इनके पास में कोई सामान नहीं है, सबके सब लोग खाली हाथ हैं। जब कोई डर के कारण हिजरत करता है या माइग्रेट करता है तो उनके चेहरों पर वो दुख, वो दर्द झलकता है। हालांकि जब कश्मीर से इस प्रकार का माइग्रेशन हुआ था, जब इस प्रकार का पलायन हुआ था, जब इस प्रकार का वहां पर एक्सोडस हुआ, उसकी छवि अलग ही थी। लेकिन यहां पर ये लग रहा है कि किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है नारेबाजी करते हुए और शाम तक वहां से वापस भी वो आ जाएंगे क्योंकि उनके हाथ में सामान नहीं है। एक दरगाह है और इस दरगाह के बराबर में एक मंदिर है। बहुत सिंपल सी बात थी, दोनों के बीच में एक जाली, जो कटीली नुमा जाली होती है, वो लगी हुई है। कलेक्टर साहब और इसकी जो जॉइंट कमेटी है जिसके 11 सदस्य हैं, उनमें से 8 लोगों ने यह तय किया कि मंदिर और दरगाह को सेपरेट कर दिया जाए ताकि ये सुरक्षा के नजरिए से यदि देखा जाए तो ये सारा जो मंदिर भी और दरगाह भी दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। वहां पर दीवार खड़ी करनी थी और उस मामले को लेकर के ये लोग कलेक्टर के पास में ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। लेकिन नासिर शेख ने 1400 साल पुराने अपने प्रोपेगेंडा को यहां पर बुनाया और उसने एक झूठा वीडियो बनाया। मजेदार बात यह है कि जितने भी लोग रोड पर चल रहे हैं उन लोगों को भी नासिर की बात सुन रही है और वो लोग नासिर की हां में हां मिला रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अफवाहें फैलने से ताकि मचे, गुजरात की छवि खराब हो, जिस प्रकार से गुजरात में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, वो एक मास लेवल पर पहुंचे और ताकि वो चीज हो सके जो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताई थी कि अभी किशन भरवाड़ और एक महिला की हत्या सिर्फ एक पिन टेस्ट है, उसके बाद में बड़े दर्जे पर गुजरात के अंदर कुछ बड़ा घटित भी हो सकता है। यानी कि नासिर शेख ने उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया लेकिन उस पर अभी हाल फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हो रही है। बच्चा समझ करके फिलहाल या अल्पसंख्यक समझ के फिलहाल, डरा हुआ मुसलमान समझ के फिलहाल उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसने जो नैरेटिव खेला है उसका प्रभाव दूरगामी होगा। भले ही आप ना समझें लेकिन होगा जरूर, वेट एंड वॉच। अब आप जरा सोचिए कि अफवाह फैला करके ये लोग क्या करना चाहते हैं। ज्ञापन देने जाने वाले लोग, उनको बताया गया कि इनको मारपीट करके भगाया जा रहा है, वो जाने वाले लोग भी इसी प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि मामला कलेक्टर और जॉइंट कमेटी के 8 सदस्यों की तरफ से प्रस्तावित था और वहां पर दीवार खड़ी की जा रही थी। अब यहां पर यह व्यक्ति क्या कहता है नासिर शेख, कि मुझे तो मामले के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम चलते हैं कुछ पोस्ट के ऊपर। काका वाणी, जिसको कि आपने काफी समय से देखा होगा और ये बहुत झूठ फैलाने में माहिर व्यक्ति है, जेल भी जा चुका है, इसके कुछ पैरोडी अकाउंट भी चल रहे हैं। ये व्यक्ति कहता है कि दरगाह के ऊपर से दीवार गुजारी जा रही है। यहां पर नासिर शेख ऑलरेडी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि नासिर शेख ना केवल इस पूरे मामले को जानता था बल्कि उसने जानबूझ करके पूरे मामले को
सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है, झूठे वीडियोस प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ लोगों को निराशा जरूर हाथ लगी होगी कि यह तो फैक्ट चेक में फेल हो गया, लेकिन यह सच सबके सामने आना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि अफवाहों में जीना भी गलत है, और क्योंकि इस तरीके के लोग ही इस तरीके का नैरेटिव बना करके अलग अलग स्थानों पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की फांसी का फंदा भी बन सकते हैं, जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं। अब आप खुद फैसला करें कि हुआ क्या है और उसका बनाया क्या गया है। नासिर शेख एवल अकेला व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं की लिस्ट बनाई हुई है, जिन्होंने भगदड़े मचवाई हैं, जिन्होंने अफवाहें फैलाई हैं, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमले करवाए हैं, और जिनका केवल और केवल निशाना उनकी बहन बेटियां उनके बिजनेसेस हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। 1400 साल से यही अफवाहें फैला करके फसाद पैदा करने वाले लोग दूसरों को फसादी बताते हैं, दूसरों को काफिर बताते हैं, और स्वयं अंत में विक्टिम कार्ड खेलकर बाहर निकल जाते हैं। विचार आपको करना होगा, सरकारों को करना होगा, स्वयंसेवी संस्थाओं को करना होगा कि हम इन लोगों का क्या करें और अपने समाज को किस प्रकार से मजबूत करें, ट्रेन करें और एकजुट करके आगे बढ़ें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों से भी करवाएं। आपने हमें जो भी सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।